नमस्कार दोस्तों, CITS के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम CITS का जो सब्जेक्ट होता है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसी के भारत स्केल का WCS का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने जो सॉल्व किया था ग्रुप वन और लेवल वन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप वन और लेवल टू के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक क्वेश्चन को आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो ग्रुप वन और लेवल वन पर वीडियो बना है उसको नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक स्क्रू जैक की पिच 1 mm है, ठीक है। जो पिच है वो कितना दिया गया है, पिच जो है वो आपकी दी गई है 1 mm, ठीक है। यहाँ पर जो पिच दिया गया है कितना दिया गया है, 1 mm दिया गया है। इसके बाद है कि कह रहा है कि हैंडल की लंबाई जो है ये दे दी गया है आपको 1 मीटर। 1 मीटर है तो इसको मीटर से हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, समझ गए। तो हैंडल की लंबाई हो गया आपका 1000 मिलीमीटर। अब क्या करते हैं हम, इसके लिए हमें निकालना है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। MA निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज के बहुत सारे फार्मूला होता है। एक होता है F0/Fi, ठीक है। F0 है इसको हम कहते हैं आउटपुट फोर्स, और जो FI है इसको कहते हैं इनपुट फोर्स, ठीक है। ये भी एक फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बस आपको लिखवाते रहें कि इससे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आए तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और एक फार्मूला जो होता है MA का ही फार्मूला है, उसका फार्मूला होता है आपका 2πL, जो L क्या है, ये वाला L हैंडल की लंबाई, ठीक है। ये L है 2πL/, यहाँ पर होता है पिच कितना दिया गया है उसको, तो देखिए 2 है 2 देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14, और आपका यहाँ पर L कितना दिया है, तो L है 1 मीटर, जिसको हम बदले mm में, तो ये कितना हो गया 1000 mm, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसके बाद जो पिच है, पिच कितना दिया गया है, तो 1 mm दिया गया है, 1 mm ही देते हैं, ठीक है। 1 mm से 1 mm कैंसिल, ठीक है। अब बच क्या गया, तो 2 × 3.14 × 1000, ठीक है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा किधर, तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, 6280 आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। यांत्रिक लाभ जो है कितना आ गया, तो 6280 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। देखिए जब भी कोई 90 डिग्री पर एंगल बनता है और थीटा दिया जाता है, थीटा मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस थीटा वाले के सामने को हम कहते हैं लंब, ठीक है। और जो सबसे लंबी भुजा होगी उसको हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और जो सबसे बच जाता है उसको हम कहते हैं आधार, ठीक है। बस इतना चीज है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो आपकी त्रिभुज बनी है ये 90 डिग्री कोण पर है, ये जो आपकी भुजा दिखाई ये कर्ण हो गया, ये आपकी आधार हो गया, और इधर जो है ये किधर है, ये आपका लंब हो गया, क्योंकि थीटा दोनों क्या है, एक ही तरफ है। इसमें देखिए दो आपके त्रिभुज बने हुए, पहला त्रिभुज
ए से सूचित कर रहा है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है। एक बड़ा, हम दो त्रिभुज, इसमें तीन दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम दो माने, देखें एक ये पूरा त्रिभुज हो गया जिसकी थीटा जो है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, और एक और त्रिभुज उसके सबसे नीचे है जिसकी थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज बी में बात करें, किसमें पूरा लिख देते हैं, ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में अगर हम बात करें तो इसमें टेन अगर हम थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। चलिए टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू 45 है, किसमें बात कर रहे हैं अभी हम, ए सी बी इस वाले छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें 10 30 बराबर हो जाएगा, लंब कितना है इसका, तो ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाला लंब होगा मतलब सी बी, क्या है सी बी आपका लंब है, और बट्टा ये जो ए बी नीचे है, ए बी ये आपका आधार हो गया। तो यहीं से हम क्या करें, सी बी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 100 है, 100 दे देते हैं, ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है, ए बी लिख देते हैं। अगर आप टेन थीटा का वैल्यू याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है, 10 30 का 45 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 30 नहीं रहेगा, यहाँ पर 45 रहेगा, यहाँ पर 45 डिग्री ना, हाँ ठीक है 45 रहेगा, इसको हम मिटका दे रहे हैं, ये है आपका 45, ठीक है। 10 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, और 10 30 का होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसको भी याद कर लीजिएगा लेकिन इसका काम नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 45 का लिख कर रहे हैं, तो 10 45 का वैल्यू हो गया 1, सी बी का वैल्यू है 100, और बटा ए बी जैसा है वैसे लिख दीजिए, ए बी बराबर, इसको ए बी को इधर भेजेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया 100, मतलब यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो गया 100 मीटर, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पूरे जितना ए, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ये पूरे त्रिभुज में, तो ए बी डी की बात करेंगे तो इसमें अगर 10 थीटा हम लिखते हैं, 10 थीटा, तो इसका आलंब क्या हो जाएगा, तो डी और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बी, डी और बी हो जाएगा, ठीक है। जब डी बी है तो इसको हम, और नीचे क्या है, आधार क्या है, ए बी, ए बी है आधार, देखिए जो डी बी है हम इसको लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, लिख सकते हैं एकदम, लिख सकते हैं डी और सी, और सी और बी लिख सकते हैं, डी बी हो जाएगा, नीचे जो है ए बी का ए बी रहते रहते हैं। अब मान पुट करें 10 थीटा, ए डी बी, ए डी बी त्रिभुज है उसका थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 डिग्री है, तो 10 60, 10 60 हो जाएगा आपका, इक्वल टू डी सी, यहाँ पर देखिए डी सी का वैल्यू कितना है, एक्स है तो एक्स दे देते हैं, प्लस सी बी का वैल्यू कितना है, सी बी का वैल्यू 100 है, 100 लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे लिख देते हैं कितना, ए बी का वैल्यू आया था कितना, 100। अब जो 10 थीटा है इसका मान होता है 10 60 का √3 होता है, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 एक्स प्लस 100/100, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 पूरा, और इसको क्या कीजिए, 100 को इधर भेजिएगा तो गुणा में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100, ठीक है। ऊपर जाते हैं, ऊपर देख लेते हैं, नीचे जगह खत्म हो गया, ऊपर देखते हैं तो आप देखिएगा कि 1.732 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 173.2 इक्वल टू एक्स प्लस 100, 100 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 173.2 माइनस 100, तो ये बच जाएगा कितना, 73.2, मतलब 73.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 73.2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा, समझ गए, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु है जिसकी वजन है 200 kg, ठीक है, और इसको 3 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, गिरने के बाद वस्तु क्या कर रहा है, 40 mm की दूरी ऊपर की तरफ तय करता है, मतलब गिरने के बाद कंप्रेस्ड होकर फिर से ऊपर उठ रहा है, तो आपको बताना है कि इस वस्तु पर
जो एवरेज कितना फोर्स लगा है, क्या निकालना है आपको, तो निकालना है आपको एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है, एवरेज फोर्स कितना होगा इसी को निकालना है, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन और कैनेटिक एनर्जी का हम पाल के थ्रू हम बनाएंगे। वर्क डन जो आपका वर्क डन होता है ये कैनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, कैनेटिक एनर्जी एनर्जी के बराबर होता है, कैनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और जो वर्क डन होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स फोर्स गुणे मूव्ड मूव्ड डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स गुणे मूव्ड डिस्टेंस, जो गिरने के बाद कितना मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कर रहा है वही है, ठीक है। उसके बाद है कैनेटिक एनर्जी इधर है, तो इसको हम लिख देते हैं कैनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये चीजें हो गई। यही जो फोर्स हम लिखे हैं यहाँ पर वर्क डन में, जो फोर्स गुणे मूव्ड डिस्टेंस है, इसी फोर्स को निकालना है कि इस फोर्स का मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लिख देते हैं यहाँ से कि जो इस फोर्स फोर्स को एफ रहने देते हैं, इक्वल टू ये जो कैनेटिक एनर्जी है इसको हम लिख देते हैं के ई, ठीक है, और नीचे लिख दें जो डिस्टेंस है इसको लिख देते हैं डी, यही एफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो मूव्ड डिस्टेंस है उसका तो वैल्यू हमारे पास मालूम है, तो एफ निकालना है, कनेक्टिक एनर्जी है इसका हमें नहीं मालूम है इसका वैल्यू कितना है, लेकिन जो डी है डिस्टेंस है जो मूव कर रहा है उसका मालूम है कितना है, तो 40 mm है, ठीक है। और 40 mm को हम क्या करते हैं, इसको मीटर में बदलते हैं, 40 mm को हम क्या करते हैं इसको मीटर में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको हम मीटर में बदलते हैं तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 1/1000 से, ठीक है। तो 1000 से जब गुणा कर देंगे तो 1000 यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर कैनेटिक एनर्जी इंटू 1000, और ये किस में बदल गया, आपका 40 mm था अब ये 40 मीटर में बदल गया, समझ गए यहाँ पर क्लियर। अब चलिए कैनेटिक एनर्जी हमको मालूम नहीं है, तो इसको पहले निकालते हैं कैनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा। तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² 1/2 फॉर्मूला में रहने देते हैं, m क्या है मास है, मास कितना दिया गया है तो 200 kg है, चलिए 200 kg है इसको 200 लिख देते हैं, गुणे v का मान नहीं दिया गया तो mv² इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, दिक्कत हो गया फिर से, यहाँ पर के ई नहीं था तो के ई निकालने गए, कनेक्टिक एनर्जी निकालने गए तो हमारे पास भी नहीं है, वेग नहीं है हमारे पास, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक फार्मूला लगाना पड़ेगा v² का, जिसका फार्मूला होता है u² + a और s होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर से वस्तु गिर रही है तो ई एस के जगह पर हम क्या लिखते हैं gs, और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जिसका मान जी का मान कितना होता है 9.8 होता है ना, जी का मान वही जी है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं यू जो है किसी भी वस्तु को गिराएगा तो जो उसका प्रारंभिक वेग होगा तो 0 हो रहेगा, क्योंकि शुरुआत ही हम 0 से कर रहे हैं तो 0 हो गया, प्लस जी का मान कितना है 9.8 9.8, और कूड़ा में एस, ये जो एस है ये डिस्टेंस कौन सा है, ये 3 मीटर वाला डिस्टेंस है, कितना मीटर वाला, 3 मीटर वाला, 3 मीटर ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, और जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो इसको हो जाएगा आपका भी बराबर का मान हो जाएगा, यहाँ पर 2s होता है, ठीक है, यहाँ पर 2gs होता है, ठीक है, यहाँ पर 2 × 9.8 × 3 हो जाएगा, तो इसको गुणा करें तो 58.8 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं u² + 2gs, ठीक है, ये s क्या है डिस्टेंस है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, ये दो फॉर्मूला क्या है, u² क्या है प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो यहाँ से v² का मान आ गया निकल गया, तो v² का मान यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं तो 1/2 200 × v² का मान कितना आ गया 58.8 58.8 आ गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे, किसको गुणा करना है, तो कैनेटिक एनर्जी को जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5880, 1/2 इंटू 200 गुणे 58.8, जब गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कैनेटिक एनर्जी के 5880। अब क्या करेंगे, 5880 को इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 रहेगा, मीटर में बदलें तो ठीक है, कोई बात, यहाँ पर पुट करेंगे तो 5880 गुणे 1000 बटा 40, और जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 147000, जो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, 1471-50, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन। चार नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा न्यूटन की तीसरी गति का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल रहा है कि तीसरी गति का उदाहरण नहीं है। पृथ्वी से तीसरा नियम क्या है इसको पहले जान लेते हैं। देखिए, तीसरा नियम जो होता है उसको हम कहते हैं, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। जो पहला नियम है इसको हम कहते हैं जड़त्व, जड़त्व का नियम, ठीक है, इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा जो नियम होता है न्यूटन का उसको हम कहते हैं संवेग का नियम, और यहीं से बल का फॉर्मूला निकला है, संवेग का नियम, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम। यही तीन नियम है न्यूटन के गति का, ठीक है। इन नियम में से कह रहा है कि तीसरा जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इनमें से कौन नहीं है उसी को बताना है। देखिए, जब भी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है कि जितना बल आप लगा रहे हैं उतना बल आपको रिटर्न मिलेगा, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी से प्रक्षेपित रॉकेट, जितना आप देखें रॉकेट नीचे की तरफ क्या बल लगाकर ऊपर उड़ता है, तो ये भी तीसरा नियम है। दूसरा नियम देखते हैं कि एक कार में यात्रा करने वाले यात्री ब्रेक लगाने पर आगे झुक जाते हैं, ये किस में चला जाएगा, आपका जड़त्व के नियम में चला जाएगा। तो दूसरा, पहला नियम आएगा, तो मतलब ये तीसरा नियम नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, फायर की गई जाने वाली गन, जब भी आप फायर कीजिएगा देखिएगा वो पीछे की तरफ धक्का देगा, मतलब आगे जितना बल लगाएगा उतना ही पीछे बल लगाकर धक्का देगा, ठीक है। तो ये तीन और एक, तीन चार, ये क्या है, सभी तीसरे नियम है न्यूटन का, लेकिन जो दूसरा है ये क्या है, पहला नियम, इसीलिए ये सही हो जाएगा कि ये जो है तीसरा नियम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन धातुओं में से कौन सा रैखिक थर्मल विस्तार का अधिकतम गुणांक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जो लेड होता है आपकी, लेड इसमें जो रैखिक थर्मल विस्तार होती है ये लगभग आपकी 29×10⁻⁶ होता है, ठीक है। और जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम इसका विस्तार होता है 25×10⁻⁶ थर्मल विस्तार, रैखिक रैखिक थर्मल विस्तार। वैसे अगर पीतल की बात करें तो इसका हो जाता है आपका 19×10⁻⁶, और जो चांदी है इसका हो जाता है 19×10⁻⁶, दोनों का, इन दोनों का बराबर। अब बताइए सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक आप देखिएगा तो लेड का है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। और दो तीन हम लिखवा दे रहे हैं धातुओं में, जैसे कि पहला आ जाता है आपका कॉपर का, लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो कॉपर का जो है रैखिक थर्मल विस्तार होता है 17×10⁻⁶, ठीक है। इसके बाद अगर हम आयरन की बात करें, आयरन या स्टील जो भी हो, आयरन या स्टील हो, इसका जो रैखिक थर्मल विस्तार होता है ये होता है 11×10⁻⁶। और बात करें आइस का, सबसे ज़्यादा आइस का होता है, ठीक है, इसका होता है 51×10⁻⁶। तो ये है, कुछ लिख लीजिएगा, इनका भी याद कर लीजिएगा, इन तीनों का भी लिख लीजिएगा, सबसे अधिक आइस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूजिबिलिटी धातु के गुणों में से एक है, कौन से धातु का उच्चतम गलनांक बिंदु होता है। हाँ, इसकी उच्चतम गलनांक बिंदु Q
किसका है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी धातु दी गई हैं सभी का गलनांक देख लेते हैं, मिलिंग पॉइंट देख लेते हैं कितना होता है। तो टंगस्टन की बात करें तो इसका हो जाता है आपका मिलेटिंग पॉइंट, मिलेटिंग पॉइंट कितना हो जाएगा तो 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 3422 हो जाता है। क्रोमियम का आपका हो जाएगा कितना तो 1907 लिख लीजिए, 1907 डिग्री सेल्सियस, ये सभी लगभग में आप लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं है मतलब इसकी के आसपास होता है। वेनेडियम का आपका हो जाएगा 1910 लिख लीजिए, 1910 डिग्री सेल्सियस, और मेलिबेलेडम का हो जाएगा 2623 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या है, गलनांक बिंदु है। तो सबसे देख लीजिए ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तो टंगस्टन का है सबसे ज़्यादा 3422 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, 6 नंबर का 1 नंबर सही। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उछाल को देश देश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको हम शरीर द्वारा विस्थापित द्रव के वजन का या कोई भी वस्तु हो उसी के विस्थापित द्रव के वजन के द्वारा हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धीमा संचाल और बारीक संयोजन के लिए किस प्रकार के स्क्रू माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विशेषक या डिफरेंशियल स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बिंदु दी गई हैं, एक है आपका जीरो कितना कितना है, हाँ 0.2 और एक है 3.0, ठीक है ये आपके बिंदु है, ये जो है हम इसको x1 कहते हैं और इसको हम कहते हैं y1, ये आपका x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। जब भी आपको ढलान या स्लोप कहे तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है भारत स्किल में कह सकते हैं कि दूसरे इस फॉर्मूला पर ना देकर जो फॉर्मूला लगाया है भारत स्किल ने वो लगाया है x2 - x1 / y2 - y1, तब जाकर वो क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला से लगा निकालते हैं जो सब कोई यूज करता है, इसमें है x2 का मान कितना है तो x2 का मान 0 है और y2 का मान 0 है, ठीक है, और y1 का मान कितना है -2 है, -2 लिख लेते हैं, बटा x2 3 है और माइनस x1 कितना है 0 है। तो इससे अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर और नीचे 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो 0.666 आता ही रहेगा, ठीक है इस फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला जो सबको यूज करता है, y2 - y1 / x2 - x1, लेकिन जो भारत स्किल ने फॉर्मूला लगाया वो लगाया x2 - x1 / y2 - y1। इस फॉर्मूला से अगर हम देखते हैं तो x2 का मान कितना है आपका 3 है और x1 है 0, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें y2 का, y2 कितना है तो y2 आपका है 0 और y1 कितना है -2, ठीक है। तो इसमें 3/2 मतलब 1.5 ढलान ये, तो इसलिए जो भारत स्किल ने सही आंसर माना है 1.5 माना है, लेकिन जो सबको यूज फॉर्मूला करता है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि भारत स्किल जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें अगर गलत भी आंसर है उसी पर टिक लगा कराइएगा तभी आपको आंसर मिलेगा, गलत तो सही पर टिक लगा कराते हैं और भारत स्किल के आंसर की में वो गलत है तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे का सिलेंडर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो उससे 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई वाला तार खींचा जाता है तो उसकी मोटाई, अगर हिंदी की बात करें तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वायर, मतलब कि जो वायर बना है उसका थिकनेस क्या होगा। लेकिन जो आंसर में दिया है उस हिसाब से निकाला गया है कि त्रिज्या क्या क्या होगा, ठीक है आंसर के हिसाब से। चलिए कह रहा है कि एक पहले एक वायर आपके पास एक तांबे का सिलिंड्रिकल चीज है, उसको हम क्या करते हैं एक वायर के रूप में बनाया गया, एक वायर बनाया गया, ये पूरा वायर बनाया गया, एक वायर बना दिया गया, तो यही बताया गया कि वायर की त्रिज्या कितने होगी उसी को निकालना है। तो चलिए ये भी देखिए सिलेंडर ही है, ये भी क्या है आपका सिलेंडर ही है, ये दोनों क्या है सिलेंडर है, तो इन दोनों का आयतन क्या होगा सेम ही होगा,
मान लीजिए तो इसी से ना ये बना है तार, तो इन दोनों का आयतन सेम होगा, तो मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या थी R1 और इसकी जो हाइट थी इसको मान लेते हैं H1, जो इसकी जो नए बनी है तार इसकी हम R2 मान लेते हैं त्रिज्या, और क्या मान लेते हैं इसकी हाइट H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का आयतन सेम होगा, मतलब कि पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर H2, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से बना है, ठीक है। दोनों का आयतन सेम होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 जो है कितना दिया गया है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। गुणे H कितना है, तो H है इसका 8 है, 8 दे रहे हैं। R2 जो है इसको निकालना है, तो R2 स्क्वायर, और H2 कितना है, 18 मीटर किया गया, 18 मीटर किया गया, 18 मीटर है। इसको क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो इससे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, आपकी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को इधर भेज दीजिए, तो R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 बाई 18 गुणे 100, ठीक है। 8 गुणे 18, 8 बाई 18 गुणे 100। यहाँ से देखिए 4 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, तो R2 अगर हम निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 4/9 × 100। इसको अगर हल करेंगे तो 2 निकल जाएगा यहाँ से रूट से बाहर, और 3, 9 के जगह पर 3 निकल जाएगा, और 1000 100 के बदले में 10 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15, मतलब R2 का इसकी जो वायर की त्रिज्या होगी 1/15 होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है, तो जो साइन बार है इसका प्रयोग हम किसको मापने के लिए, तो सटीक कोणीय माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर फेरनाइट और सेल्सियस दोनों स्केल दोनों समान मूल्य पर होते हैं, तो सब कोई जानता है -440 डिग्री पर ये क्या होते हैं, सभी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कि 13 नंबर की कार्य क्षमता डैश डैश का अनुपात होता है, तो कार्य क्षमता बराबर होता है, इफिशेंसी बराबर होता है, कार्य क्षमता बराबर होता है कि जो भी आपको आउटपुट मिला है, जो भी आउटपुट आउटपुट मिला है उसमें क्या करना है, इनपुट से भाग दे देना है, इनपुट से भाग दे देना है, यही आपकी कार्य क्षमता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पावर आउटपुट बटा पावर इनपुट। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक तैरते हुए घटक को स्थिर संतुलन में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र डैश डैश होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि ब्लो के केंद्र के नीचे, ठीक है, बौंसी के केंद्र के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था, हाँ 14 ही क्वेश्चन था आपके ग्रुप 1 के लेवल 2 में, 14 ही क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और बहुत ही जल्द हम क्या करेंगे, अब लेवल ग्रुप 2 के, जो ग्रुप 2 है उसी के लेवल 1 के क्वेश्चन के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।